everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने। और ये है पॉडकास्ट बाय अहमद खान पॉडकास्ट। तो फिर से इसमें आ गए बरकत उज़्मी एंड फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ये पैदाइशी बॉलर है। पैदाइशी बॉलर हाँ, जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने इसे देखते ही कहा गुड डिलीवरी। अब एक कमेंटेटर की बीवी घर छोड़ के जा रही है। हाँ। अब कमेंटेटर क्या कह रहा है? क्या पहली दफा कदमों का सही इस्तेमाल। ये देखें। हाँ। सुबह मरते मरते बचाऊं या अल्लाह। कैसे? बस मेरे ऊपर बस वाला चढ़ गया था। तो आपको कुछ हुआ नहीं? आप तो सही ठीक बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, वो पैदल था, बस खराब थी ना। तो जी अभी दो दिन पहले मैं सदका देने गया। हाँ। मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। हाँ। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या, सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। वो एक मैं देख रहा है, एक प्रोग्राम में बता रहे कि पाया बनाने का तरीका। पाए आप चूल्हा चला के रखें और टीवी खोल लें, टेस्ट मैच लगा लें, मिसबा उलग के जब 25 रन हो जाएं तो आप समझे कि पाए बन गए। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना, वो क्या कर रहा है? अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? हमें जुदाई में जाम तो पिए होंगे। हाँ? पर ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, हमने अपना सफेद खून बहाया। खून सफेद हो गया ना लोगों के। खून सफेद हो गया लोगों का यार। अब आप यकीन करें, कॉकरोच ताने देने लगे लड़कों को। क्या? कि तुम्हारी बेगम तुमसे ज्यादा तो हमसे डरती है। बताओ। एक बार टीचर ने मुझे कहा स्कूल में वालदेन पर मजमून लिखो। मैंने कहा अब्बू को वालिद, अम्मी को वालदा कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वालदेन बन जाते हैं। टीचर के अच्छा बेटा कल अपने वालदेन को ले आइयो। और मेरा बेटा अपनी अम्मी से पूछ रहा है, मेरी बेगम से, कि अम्मी मैं कब इतना बड़ा हुआ कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकूंगा। तो उसकी अम्मी क्या कह रही, बेटा इतना बड़ा तो अभी तक तेरा बाप भी नहीं हुआ। किसी का बाप नहीं हुआ। यार अब एक लड़का मुझे कह रहा बरकत भाई, वो मुझे शादी का कार्ड देने आई थी, बेचारी फिर भी देकर गई। क्या? हाँ कार्ड। हाँ शादी का कार्ड। हाँ देके चले गई। हाँ अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई। वालेकुम सलाम। यार इफ यू डोंट माइंड, एक स्मेल सी आई है जब आप लोग यहाँ पर आए मुझे। आई एम सॉरी। नहीं हमारे किरदार में ऐसा तो नहीं आ रही ना। नहीं बॉडी में से आ रही है। बॉडी अंदर से कपड़ों में से आ रही है। अच्छा नहीं, वो असल में गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा, मौसम भी ऐसा है। नहीं तो स्मेल आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ ना यार। तो भाई तू कोई परफ्यूम वगैरह दे दे अगर तुझे इतना शौक है। ये आपने बात करी ना परफ्यूम की, ये देखें। हाँ। परफ्यूम मैं आप लोगों के लिए आज लेके बैठा हूँ। अरे अब ये पूछे तो ये कौन से ब्रांड का? ये क्या क्या? हाँ क्या है? किस ब्रांड? ये सब्सक्राइबर भाई अहमद खान, ये मेरे अपने ब्रांड का परफ्यूम। ये आप दोनों को, इसीलिए आपको हमारे पास से बदबू आ रही थी जी। हाँ। क्योंकि मैंने वो सिचुएशन बनानी थी। ये कैच करें बरकत भाई, कैच करें। यार बहुत ही खूबसूरत। अच्छा एक तो इसकी बॉटल बड़ी खूबसूरत है। बॉटल बहुत खूबसूरत है। स्क्रॉल है। बॉटल इसकी खासियत ये है कि खाली हो जाए ना इसमें आप तेल भी भर सकते हैं। हाँ लेकिन वो तेल लगाने वाला होगा। हाँ लगाने वाला होगा। ओए होए 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 बरकत साहब लगाइए। नहीं आप नहीं लगाएगा, आपके पास से बदबू ही आएगी। लगाएं ये ऑलरेडी परफ्यूम मैच ना हो जाए, बस मैच ना हो जाए। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। और सब्सक्राइबर बाय अहमद वेबसाइट लाइव हो चुकी है, और जल्दी जल्दी ऑर्डर करें और मुझे फीडबैक लास्ट भी दें कि मुझे क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए अपने ब्रांड में, क्योंकि ब्रांड अब आम ने खड़ा किया है। तो आप ही लोगों से पूछ पूछ के करूँगा। आप लोग को क्या कहते हैं, वालिदैन है मेरे, ठीक है। अच्छी बात। क्या बात की? क्या बात की? ये बरकत भाई और उज़्मी भाई, एशिया कप आने वाला है। ओहो क्रिकेट में रखते हैं शौक। क्रिकेट का तो मैं आपको बताऊं, ये पैदाइशी बॉलर है। पैदाइशी बॉलर है। जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने इसे देखते ही कहा गुड डिलीवरी। यार मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मेरी फीलिंग है, शायद आप लोग इस बात से एग्री करें, हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो जनरेटर की तरह होते हैं, बेचने जाओ तो ठीक हो जाते हैं। यानी टीम से निकालो, आखिरी मैच में मार देंगे, आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दे जाते हैं। और एक और कुछ क्रिकेटर ने इसी तरह 400 मैच खेल लिए है ना, 10 में से एक मैच में 50 मार दिए, 20 में से एक मैच में 2 आउट कर दिए, लेकिन वो जब वही वाली बात है। हाँ, कौन से क्रिकेटर की बात कर रहे हैं आप? कुछ भी लगा, आप कुछ भी लगा रहे जो जिसका नसीब चल जाए, जिसका नसीब चल जाए, दुआ जिसकी आप जिसकी दुआ लग जाए है ना। अब एक कमेंटेटर की बीवी घर छोड़ के जा रही। हाँ। अब कमेंटेटर क्या कह रहा है? क्या पहली दफा कदमों का सही इस्तेमाल। ये देखें। अच्छा ये पहले भी कहा होगा, वो वाली बात नहीं बता रहा, कदमों का जब सही इस्तेमाल किया होगा। ये आपका ذاتی एक्सपीरियंस है। मैं कमेंटेटर नहीं हूं, हालांकि उस वक्त तो कदमों का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसकी बीवी इसको कह रही मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये क्या कह रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती। और आपको पता उठा के मारे जाने वाली चीजों में छक्का यानी कि सिक्सर आज भी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या? पहले नंबर पे चप्पल।
जो माँ बाप आपको उठा के मारते हैं, और आपको पता लिटा के मारे जाने वाली चीजों में चौका यानी कि फोर रन आज भी दूसरे नंबर पर, माशाल्लाह। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे हम दोनों हैं जिन्हें माँ बाप चप्पल मारते हैं उठा के, किसे लिटा के मारते हैं। आपको किसी ने लिटा के मारा? अरे इनको तो लिटा लिटा के मारा लोगों ने। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ये पंचे सुनाने वाले उसके बाद तो लिटा। नहीं 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 यार, मैं क्या बताऊं यार, हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं, और मैं आपको क्या बताऊं कि बस आज यकीन करो आज मेरे साथ एक अजीब ट्रेजेडी भी है। क्या? मैं सुबह मरते मरते बचाऊं। या अल्लाह, कैसे? बस मेरे ऊपर बस वाला चढ़ गया था। तो आपको कुछ हुआ नहीं, आप तो सही ठीक बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, वो पैदल था, बस खराब थी ना, तो कहने का मकसद। फिर उसने ट्रक वाले को बुलाया, ट्रक वाला भी चढ़ गया। नहीं नहीं यार, क्या हो गया यार? यार आप लोग क्या बात कर रहे हो? वो तो अपने अपने शौक की बात है, अपने अपने शौक की बात है। अच्छा देखिए, वैसे बरका साहब, आप जब ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, बस वाले चढ़ रहे हैं, ट्रक वाले चढ़ रहे हैं, आप सदका वगैरह दिया? सदका देता हूँ यार, क्या हो गया, सदका देना चाहिए। अभी दो दिन पहले मैं सदका देने गया, मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे, बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या, सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। आप क्रिकेट खेलते हैं उस्मी भाई, है ना? हाँ, मैं तो बहुत खेली यार। ये अभी तो माशाल्लाह हर टीम में नए नए खिलाड़ी आ गए, लेजेंड्स बहुत कम आ रहे हैं। हमारे जमाने में वो करते थे यार, लेजेंड्स मिसबाउल हक, ओए हो यार क्या लेजेंड था, और यूनुस खान। आप यकीन करें, टेस्ट मैच होता था, आप 1 बजे टीवी बंद करें, 5 बजे यही दोनों खेल रहे होते थे। हाँ, और रन उतने ही होते थे, रन उतने क्योंकि मिसबा टुक 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 टुक, लेकिन मिसबा बड़ा प्लेयर था, इसमें कोई शक नहीं। एक मैं देख रहा है, एक प्रोग्राम में बता रहे हैं कि पाया बनाने का तरीका, पाए आप चूल्हा जला के रखें और टीवी खोल लें, टेस्ट मैच लगा लें, मिसबा उलग के जब 25 रन हो जाए तो आप समझे कि पाए बन गए। अच्छी बात है, वो लेजेंड खिलाड़ी मिसबा उलग, क्या बात है ना। और आज तक हंड्रेड नहीं मारी मिसबा उलग, क्यों? इसकी वजूहत है क्या? 3-4 मैच मैंने देखे कि मिसबा उलग 100 मारने गया, सामने से टीम आउट हो गई। वो खेले यार, अकेला क्या करे, लेकिन उसके सिचुएशन ही ऐसी मिलती थी बेचारे को, वो क्या करेगा। सही बात, आता जब तक जब खेलने, जब 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, अब उसने रोकना ही है ना यार, अब उसने रोकना ही है। लेकिन तेज तरीन उसने सेंचुरी भी मारी है टेस्ट मैच में 64 बॉलों पे। क्या बात है, आप वो खेलते हैं क्रिकेट, डबल विकेट, सिंगल विकेट? नहीं, ये तो खेलना था, एक दफा कोई आया कहने का भाई आप जो खेल रहे हो क्रिकेट नहीं है। नहीं, मैं नहीं खेलता यार, मैं बस देखता हूँ, मुझे देखने का बड़ा कोई और खेल जाता। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो स्पेशली वो मैच में बहुत शौक, इंडिया पाकिस्तान मजा आता है। वो हम कोई इसलिए नहीं देखते कि हम टीवी तोड़ देंगे या गालियां देंगे, मतलब एंजॉय करो यार, वो तो मैच है यार, उनकी टीम जीत रही है वो एंजॉय करें, हमारी टीम जीत रही है क्या बात, हम बुरा भला बोले। लोग बड़े जज्बाती है वहाँ के, लोग बड़े जज्बाती नहीं, यहाँ के भी बड़े जज्बाती, यहाँ के बड़े जज्बाती, वहाँ तो आग लगा देते हैं घरों पे यार। हाँ, यहाँ तो बाप बेटे की फसाद हो जाता है भाई। क्या होता है, तुझे बोल रहा था ना मैं आउट हुई। हाँ। ये बाप बेटे इतने सीरियस हो गए क्रिकेट में, झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा याद, ओके अभी नेक्स्ट सीन विल वॉच टुमारो, बट इन ईयर ये वर्ल्ड कप का ये जो सीन, तो सॉरी एशिया कप, वर्ल्ड कप क्यों बोला, एशिया कप का ये जो सीन तो चल तो रहा है, और ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है उनका नाम मुझे नहीं पता, तो ये किनके बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। इंडियन क्रिकेटर्स ओके, और फॉरेन क्रिकेटर्स भी, लाइक पाकिस्तान छोड़ के फॉरेन दूसरे जो भी है क्रिकेटर्स, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा नाम पता है, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं पता मेरे को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, तो जाना पड़ेगा मेरे को भी, बता तो रहे हैं अच्छे हैं एंड ऑल दैट। तो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।